Hello everyone, welcome to my channel Versatile Vlogs. Hope you all are doing great. My name is Anjali and if you are new to my channel, do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon down there so that you will be notified whenever I upload new videos on YouTube. First of all, thank you so much for showing so much of love to my latest uploaded video. Bahut sare logon ne mujhe uska positive review diya hai and it really boosts up my confidence and encourages me to shoot my next video. So thank you so much. And talking about today's video is going to be a no makeup look that you can see right now. We will be gaining this makeup look in just 15 minutes. So if you want to go through how the sequence and what I have followed for having this particular look, you can just stay tuned. And yes, badhte hai apni video ki taraf. So this is my bare skin without any makeup. यहाँ पे मैंने बस फेस वॉश से मेरा मुंह धो लिया है. And the very first thing which I make use of is this toner that is from Kama Ayurveda Pure Rose Water Toner. तो ये है ना, ये basically क्या करता है, यहाँ पर लिखा भी है, it balances and restores skin's pH level and helps lighten pores. मतलब कि क्या, तो हमारे ना चेहरे पे ना यहाँ पे नाक पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो ना अगर किसी लोगों की स्किन टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वहाँ उनके ना पोर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो अगर पोर्स बड़े हो तो वो दिख के आते हैं. तो ये टोनर उसके लिए हेल्प करता है कि वो पोर्स को श्रिंक करें. सो दैट इज नथिंग बट लाइटन्स योर पोर्स. एंड पीएच लेवल, हमारी स्किन की एक पीएच लेवल होती है, अगर पीएच लेवल ज्यादा हो तो इरिटेशन होती है, कम हो तो ड्राई होती है, तो ये पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज आई मेक यूज ऑफ दिस टोनर. इसको ये एक स्प्रे बॉटल में आता है, दिस इज फ्रॉम कामा आयुर्वेदा एंड ये मुझे 395 रुपीज में मिला है. एंड दिस इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज गुड टू यूज. सो मैं ये अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ, नेक पार्ट को भूलना मत कभी भी, कभी भी मेकअप करो, नेक पार्ट को कभी भूलना नहीं है. जो कुछ भी फेस के लिए करोगे वो नेक पार्ट के लिए हमेशा करना. वंस स्किन ने ये प्रॉपरली अब्सॉर्ब कर लिया तो आई विल मूव ऑन टू दी मॉइस्चराइजर. सो यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल का, घर घर में मिलेगा, दिस इज स्पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजर, नॉन ऑयली फ्रेश फील मॉइस्चराइजर. ये मॉइस्चराइजर बहुत मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या है ना, अगर हमारी स्किन ड्राई हो तो हम जब कोई भी मेकअप अप्लाई करते हैं तो वो बहुत फ्लेकी और केकी दिखता है. तो अगर अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो अपने स्किन को, तो अपनी स्किन मेकअप के लिए बहुत अच्छे से प्रेप हो जाती है. अपना मेकअप जो कोई भी हम लोग लगाते हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और वो फ्लेकीनेस और केकीनेस नहीं दिखता है. और जैसे कि मैंने बोला था, जो कुछ भी फेस के लिए करो वो नेक के लिए भी करो. तो यहाँ पे हम लोग प्राइमर नहीं यूज कर रहे, तो जस्ट बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ प्राइमर, तो हमारा ये जो मॉइस्चराइजर है वो प्राइमर का काम करेगा. तो नीचे मैंने एक्चुअली एक मिरर रखा है, तो मैं उसको देख के कर रही हूँ, सो दैट मैं कहीं गलत नहीं करूँ. तो जस्ट बेयर विथ मी, आई एम जस्ट लुकिंग इन टू द मिरर डाउन देयर एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू एज वेल. तो अभी ये मॉइस्चराइजर लगाने के बाद इसको सोक होने के लिए थोड़ा एक दो मिनट दे दो. और ना आपको आपके स्किन को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने पड़ेगा कि आपके स्किन में कौन से पैचेस बहुत ज़्यादा ड्राई है. तो अगर मेरे बारे में अगर बात करने जाओ ना, तो मेरा ये नोज़ का पार्ट, ये चीज़, फिर ये आईज़ का सेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा ड्राई है. तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना है हम लोगों को, ताकि हम जब यहाँ पे मेकअप करें तो वो ज़्यादा फ्लेकी ना लगे. अभी मॉइस्चराइजर लगा के हो चुका है, विल वेट फॉर 1 मिनट एंड वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज नथिंग बट कंसीलर.
Why concealer? Because as I said, foundation use नहीं करेंगे, primer use नहीं करेंगे. Concealer क्यों use कर रहे हैं? Because हमारा जो पूरा फेस है इस पर डिसकलरेशन होता है. जैसे कि आप देखोगे मेरा चिक्स और मेरा अंडर आई का कलर बहुत डिफरेंस है, तो इसके वजह से ना हम लोग प्रेजेंटेबल नहीं दिखते हैं. तो वी नीड टू हाइड ओनली दैट पार्ट. जब आपको आपके स्किन के हिसाब से एनालाइज करने पड़ेगा वापस से कि आपका डिसकलरेशन कहाँ पर है. मेरा अगर देखा जाए तो मुझे अंडर आई बहुत है और यहाँ नोज के पार्ट पर थोड़ा सा है और ये लिप्स के एंड पार्ट पर थोड़ा सा है, तो मैं वहाँ वहाँ पे कंसीलर लगा दूंगी. आई एम स्टार्टिंग टू पुट ऑन माई कंसीलर. अगर आपको यहाँ यहाँ पे पिंपल्स होंगे, उसके दाग धब्बे होंगे, तो यू कैन मेक यूज ऑफ ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया एज वेल. पूरे चेहरे पे कंसीलर नहीं लगाना है, रिमेंबर. और यहाँ पे मैं शुगर का करेक्टर स्टिक यूज कर रही हूँ, 01 पीच प्रेसिडेंट शेड में. ये इसका कुछ कंपल्शन नहीं है कि आप भी यही यूज करो. द ओनली थिंग इज कि मुझे ये बहुत पसंद है. ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, इसका पिगमेंटेशन भी बहुत सही है और ये कवरेज भी बहुत अच्छी देता है. तो अभी कंसीलर लगा के हो चुका है, आई स्टार्ट ब्लेंडिंग दिस पार्ट. ब्लेंड करने के लिए मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ फ्रॉम कलर बार और इट कॉस्टेड मी फॉर सम 150 rupees. तो मैंने ये पानी में सोक करके लिया है, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा वेट होना तो ये अच्छे से हेल्प होता है ब्लेंडिंग के लिए. तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद दिस ब्लेंडिंग पार्ट. माई ब्लेंडिंग इज बिंग डन नाउ. आप देख सकते हो जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से किया था स्किन को और ये ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा पानी में लगा के यूज़ करा, उसके वजह से बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है ये चीज़. और एक बस नॉट इवन 1 minute एज वेल, 30 seconds में हमारा पूरा ब्लेंडिंग हो चुका है. ब्लेंडिंग अच्छे से करना, बिकॉज ना ब्लेंडिंग अगर अच्छे से नहीं किया तो कहीं कहीं पर कंसीलर अक्यूमुलेट हो जाता है और वो अगर बहुत ज़्यादा पास से देखो ना तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है. तो ब्लेंडिंग अच्छे से करना और आप देख सकते हो कि डिफरेंस देख सकते हो आप अपने पहले वाले लुक में जहां पे कंसीलर नहीं था और अभी आप देख रहे हो कि जस्ट बिकॉज के डिसकलरेशन नहीं है तो हमारा लुक काफी लिफ्ट अप हुआ है. अभी कंसीलिंग तो हो चुका है, नाउ वी आर गोइंग टू पैक अप दिस कंसीलर. सो पैक अप करने के लिए गो टू योर कॉम्पैक्ट. यहाँ पे मैं ये फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ. ये काफ़ी चीप है, आई गेस 199 rupees में ये मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छा फिनिश भी देता है. सो स्टार्ट अप्लाइंग दी कॉम्पैक्ट राइट नाउ. आई एम फर्स्ट अप्लाइंग ऑन दी एरियाज वेयर आई हैव मेड यूज़ ऑफ कंसीलर. कंसीलर को पैक कर देते हैं. जहाँ जहाँ भी कंसीलर यूज़ करा है वहाँ पे कॉम्पैक्ट लगाते उसको पैक कर देते. पैक करने के बाद यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग द कॉम्पैक्ट ऑल ओवर योर फेस. नेक को भूलना नहीं है. अगर नेक को भूल जाओ ना तो पूरे मेकअप का बैंड बजा देते हैं हम लोग, बिकॉज वो सबसे बड़ा डिस्कलरेशन दिख जाता है. थोड़ा सा कान के ऊपर आप देख सकते हो कॉम्पैक्ट लगाने के बाद कितना डिफरेंस आ चुका है आपका. काफ़ी स्किन का जो कलर है वो काफ़ी सिमिलर दिखने लगा है और काफ़ी प्रेजेंटेबल दिख रहा है. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अभी अगर आप देखोगे स्किन को तो ये है ना एक
फ्लैट सर्फेस जैसे दिख रहा है तो वी नीड टू लिफ्ट अप दी हाई एंड पॉइंट्स ऑफ अवर फेस. फॉर एग्जाम्पल अवर नोज, आईज, आईब्रोज, लिप्स, ये सारे चिक्स, ये सारे पे फोकस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विथ द आईब्रो पार्ट. यहाँ पे मैं एक रैंडम सा आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ. आपके पास अगर अच्छा सा हो तो वेल एंड गुड, मैं एक रैंडम सा यूज कर रही हूँ. लेकिन आईब्रोज करने के बाद जो क्या बोलते हैं डिफरेंस आता है ना, वो आपको अभी के अभी दिखेगा. आई एम जस्ट अप्लाइंग टू वन ऑफ माई आईब्रो एंड आई विल शो यू द डिफरेंस. और जब भी हम लोग आईब्रोज करते हैं ना, तो वो पेंसिल की तरह ऐसे 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 नहीं करना है, एक स्ट्रोक्स दे के हम लोगों को पूरा आईब्रो करना है ताकि वो हमारे हेयर की तरह दिखे, ना कि पेंसिल से बनावटी आईब्रोज दिखे. ओके, तो आईब्रोज क्यों करना है ना, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो मेरा अगर आईब्रो देखोगे आप तो यहाँ ये वाला आईब्रो तो बहुत सही है, लेकिन ये वाला जो आईब्रो है ना उसमें ये गैप है, तो इसके वजह से ना वो अच्छा नहीं दिखता है. लेकिन अगर आप दोनों भी आईब्रोज करो तो उसके बाद जो डिफरेंस होता है वो आप देख सकते हैं. एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने स्ट्रोक्स बना बना के मेरा आईब्रोज का पार्ट कंप्लीट कर लिया है. आप देख सकते हो ये वाला आईब्रो और ये वाला आईब्रो में डिफरेंस. तो अगर आप आईब्रोज नहीं करते हो ना अपने डेली मेकअप पे, तो शुरू कर दो आईब्रोज करना. बहुत बहुत अच्छा लुक आता है आईब्रोज करने के बाद. आई डू द सेम टू द अदर आईब्रो एज वेल. आप देख सकते हो मैं ना ऐसे ऐसे नहीं कर रही हूँ आईब्रोज को. अगर मेरी हेयर ग्रोथ इस तरह से है तो मैं उस तरह से हेयर के ग्रोथ के हिसाब से उस तरह के स्ट्रोक्स दे रही हूँ और अपने आईब्रोज बना रही हूँ. आप देख सकते हो अभी कि कितना डिफरेंस हो चुका है हमारे गेटअप में. अभी आईब्रोज करना तो हो चुका है. We are done with our eyebrows. Now we are moving on towards our lips part. तो यहाँ पे मैं एक random सा nude वाला lipstick use कर रही हूँ. This is from Nykaa. This is in 11M naughty shade. और लिपस्टिक लगाते टाइम ना एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा लिपस्टिक लगाते टाइम हमारा जो ये वी पॉइंट है ना, वी सेक्शन है ना, इसको हमेशा संभाल के रखना. बहुत लोगों का मैंने देखा है लिपस्टिक ना ऐसे लगा देते हैं. ऐसे अगर आप लिपस्टिक लगा दो ना तो ये वाला शेप, जो लिप्स का जो शेप है ना, वो गायब हो जाता है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता. और अगर आप ये वी वाला सेक्शन को मेंटेन करोगे ना तो आपका लिप्स का शेप बहुत सही दिखता है और लिपस्टिक भी बहुत उभर के दिखती है, मतलब अपना फेस भी बहुत अच्छा दिखता है उसकी वजह से. तो यहाँ पे आई एम फर्स्ट टेकिंग द वी सेक्शन. आप देख रहे हो वो जो वी शेप का हम लोगों ने मेंटेन करा है लिप्स का, वो कितना अच्छा दिखता है. तो हमेशा लिपस्टिक ऐसे लगाना. अभी आईब्रोज हो गए, लिप्स हो गए, अभी बढ़ते अपने आईज की तरफ. तो आईज के लिए ना तीन चीज़ें होती है, एक तो काजल, मस्कारा और लाइनर. तो उस केस में अगर बहुत टाइम हो आपके पास तो लाइनर लगा दो, थोड़ा कम टाइम हो तो काजल लगा लो, लेकिन मस्कारा तो कंपलसरी लगा दो. मैं दिखाती हूँ आपको डिफरेंस. यहाँ पे मैं एक मस्कारा यूज कर रही हूँ मेबेलिन से, हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा. आप देख सकते हो, मैं एक आई करके दिखाती हूँ. अपर लिड को हो गया, लेकिन लोअर लिड को कभी भूलना मत. लोअर लिड को भी एक मस्कारा हमेशा लगाना.
आप देख सकते हो दोनों आईज में जो डिफरेंस आया जस्ट बिकॉज ऑफ मस्कारा, आप देख सकते हो दोनों आईज में कितना डिफरेंस आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी दूसरे आई को भी मस्कारा लगा देती हूँ। अभी मस्कारा लगा के हो चुका है, तो अगर नो मेकअप मेकअप लुक में जाओ तो इतना भी काफ़ी है। यू कैन सी द लुक, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इनाफ इफ यू आर गोइंग फॉर कॉलेज और ऑफिस। लेकिन अगर आपको पसंद आए तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हाईलाइट योर चिक्स पार्ट इज वेल। ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है, जो कोई भी लिपस्टिक आप लगा रहे हो बस उसका थोड़ा सा टिंट लेके अपने चिक्स पे लगा दो। Now what you have to do is अभी हंसो, और हंसने के बाद हमारा चिक्स का पार्ट जिस डिरेक्शन में जा रहा है ना उस डिरेक्शन में प्लस थोड़ा सा ब्लेंड कर दो। तो आई एम ब्लेंडिंग इट राइट नाउ। अभी ये चिक्स वाला भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, आप देख सकते हो। और ये है हमारा नो मेकअप मेकअप लुक इन जस्ट 15 मिनट्स। अभी ना मैंने ये सारा जो कुछ भी बताया सीक्वेंस, ये बहुत ऐसे तोड़ तोड़ के बताया है, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन वन गो। अभी मैंने एक्चुअली ये सब बोल बोल के कर करके दिखाया, इसलिए इतना टाइम लिया, नहीं तो सही में 10 मिनट्स में हो जाता है। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाए ना, शुरू शुरू में 15 मिनट्स लगेंगे, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाए ना तो 10 मिनट भी काफ़ी है। मैं अभी पूरा सीक्वेंस एक बारी में आपको बता देती हूँ। शुरुआत करनी है टोनर से, जो कि कंपल्शन नहीं है लेकिन अगर यूज़ करो तो बहुत अच्छा है। टोनर एब्जॉर्ब होने के बाद मूव ऑन टू योर मॉइस्चराइजर, एंड उसके बाद आई फॉरगॉट सनस्क्रीन, आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। जितना टोनर इम्पॉर्टेंट है उतना ही सनस्क्रीन इम्पॉर्टेंट है। घर पे भी बैठो ना तो भी सनस्क्रीन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले टोनर लगाओ, फिर मॉइस्चराइजर लगाओ, फिर सनस्क्रीन लगा दो। आई एम वेरी सॉरी, मैं भूल गई। सनस्क्रीन लगाने के बाद यू अप्लाई योर कंसीलर। कंसीलर लगाने के बाद यू पैक इट विथ योर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद जो कोई भी हमारे उभरे हुए पार्ट्स हैं, जैसे कि आईब्रोज, नोज, आईज, लिप्स एंड चिक्स, उसको हाईलाइट कर दो। आईब्रोज करने के लिए स्ट्रोक्स लगा दो, ड्रॉ नहीं करना है, स्ट्रोक्स लगा के आईब्रोज करो। आईज में आपका चॉइस है, आपके स्पीड की बात है। अगर लाइनर लगाने में बहुत आसानी है तो लाइनर लगा दो। मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, जब भी मुझे बहुत जल्दी होती है तो मैं मस्कारा लगा के निकल जाती हूँ, आईलाइनर लगाते नहीं बैठती हूँ। तो इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ आईलाइनर यू कैन गो विथ दैट एज वेल। मस्कारा लगाना ही लगाना है, आपके आईलिड्स बहुत अच्छे लगते हैं, आपके आईज ओपन दिखते हैं। काजल अगेन इज़ योर चॉइस। लिपस्टिक लगाओ कोई भी न्यू, अगर आप ऑफिस और कॉलेज के लिए जा रहे हो और आपको ऐसे बहुत ब्राइट ब्राइट लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही है तो न्यूड सा कोई लिपस्टिक शेड लगा दो। ये लिपस्टिक शेड मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है, दैट इज़ न्यूड फ्रॉम नायका, नॉटी न्यूड, नॉटी समथिंग, नॉटी न्यूड शेड इन नायका। तो ये एक बहुत अच्छा है, अगर डेली यूज़ के लिए कोई लिपस्टिक चाहिए तो दिस इज़ द वेरी गुड चॉइस। एंड येस, जो कोई भी लिपस्टिक आप लगा रहे हो उसका थोड़ा सा टिंट यहाँ पे लगा के अच्छे से ब्लेंड करो स्माइल करके, तो बहुत अच्छा मेकअप हो जाएगा आपका बस 15 मिनट में। थैंक यू। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लेट मी नो योर रिव्यू ऑन इट। आप एक्स्ट्रा क्या करते हो, अगर आपने ये ट्राई किया तो आपको कैसे रिजल्ट मिला, ये सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड वी विल बी वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टिल देन बाय, गुड बाय।